आईपीएल में आज जो मैच हो रहा है हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद का, उन्होंने बेतहाशा फेंटी लगाई है इनको आरसीबी को, और ये जो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम है, एक तो ये ग्राउंड हाई स्कोरिंग है, ग्राउंड को इतना बड़ा है नहीं, पिच आउटस्टैंडिंग पिच है, और दूसरी टीम भी एक वक्त तक अच्छा चेस कर रही थी, अभी भी वो मारने की कोशिश तो कर रहे हैं, तो लेकिन तकरीबन इनको हर गेंद पे 3 रन चाहिए, इक्वेशन ऐसा है, गेंदे अभी पड़ी हैं 44 और 134 रन चाहिए, सो क्रिकेट है, काफी सारे छक्के इसमें इनको रिक्वायर्ड है, अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे तभी बचेंगे, यॉर्कर्स अच्छे करने पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हमने एक बेहद शानदार मैच देखा है, एसआरएच और आरसीबी ने हमें यादगार मुकाबला दिया है, और मैं यहाँ सब कुछ डिस्कस करने के लिए हूँ, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आता है। एसआरएच ने एक बेहद बड़ा टोटल 285 सेट किया और इस मैच के सितारा था और कोई नहीं बल्कि ट्रेविस हेड, उन्होंने सिर्फ 41 बॉल्स में एक भारी 102 रन बनाए, जिसे ये आईपीएल की हिस्ट्री का चौथा सबसे तेज सेंचुरी बना। पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शनों को देखकर उनकी हैरानी का अंदाजा लगाया जा सकता है, और सच में मैं भी वही था। आप इनके चेहरों पर आश्चर्य देख सकते हैं, एसआरएच के बैटिंग लाइनअप ने हंगामा मचा दिया और आरसीबी के बॉलर्स बस कुछ जवाब नहीं दे पाए। हेड के इनिंग्स एक T20 बैटिंग का मास्टर क्लास था और ये एक लंबे समय तक याद किया जाएगा। लेकिन चलिए उन सहयोगी अभिनेताओं को ना भूले, हेनरी क्लासन का 67 रन 31 बॉल्स में हेड की सेंचुरी के लिए पूरा सहयोग था, साथ मिलकर उन्होंने एसआरएच को एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली टोटल तक पहुंचाया। एसआरएच ने आज अपने ही रिकॉर्ड खुद तोड़ा है आरसीबी के अगेंस्ट, ये एक काफी शानदार इनिंग्स था। आरसीबी का जवाब बहादुर था, लेकिन 25 रन से कम रह जाना बस यही दिखाता है कि उन्हें किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तेज कार्तिक का तेज 83 रन 35 बॉल्स में भी इंप्रेशनेबल था, लेकिन ये एसआरएच का विशाल स्कोर को चेस करने के लिए काफी नहीं था। मुझे माफ कीजिए, लेकिन क्या हम एक पल के लिए एसआरएच के टोटल की असल बात कर सकते हैं? T20 में 285 रन बनाना सिर्फ दिल को छू जाता है, और ऐसे करने का मतलब आरसीबी जैसे टीम के खिलाफ ये एक दमदार स्टेटमेंट है। इस मैच में सब कुछ था, रिकॉर्ड टूटा, बड़े छक्के और ऊंच नीच मोमेंट्स, ये वो मैचेस हैं जो आईपीएल को इतना खास बनाता है, और आज एसआरएच ने दिखाया है कि वो एक ताकत है जिसे हमें हिसाब देना पड़ेगा। और राइट दोस्तों, ये थी मेरी विचार एसआरएच और आरसीबी के बीच आज के शानदार मुकाबले के ऊपर। आपको मैच कैसा लगा, अपने विचार नीचे कमेंट में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे एक थम्स अप जरूर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें क्रिकेट से जुड़ी और भी वीडियोस के लिए। बात आईपीएल में आज जो मैच हो रहा है हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद का, उन्होंने बेतहाशा फेंटी लगाई है इनको आरसीबी को, और ये जो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम है, एक तो ये ग्राउंड हाई स्कोरिंग है, ग्राउंड को इतना बड़ा है नहीं, पिच आउटस्टैंडिंग पिच है, और दूसरी टीम भी एक वक्त तक अच्छा चेस कर रही थी, वो मारने की कोशिश तो कर रहे हैं, तो लेकिन तकरीबन इनको हर गेंद पे 3 रन चाहिए, इक्वेशन ऐसा है, गेंदे अभी पड़ी हैं 44 और 134 रन चाहिए, सो क्रिकेट है, काफी सारे छक्के इसमें इनको रिक्वायर्ड है, अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे तभी बचेंगे, यॉर्कर्स अच्छे करने पड़ेंगे। बहुत अच्छा पिच है, शानदार बैटिंग की ट्रेविस हेड ने, क्लासन ने, फिर उसके बाद मार्करम ने भी 200 के स्ट्राइक रेट से 190 के स्ट्राइक रेट से 32 रन बनाए, फिर अब्दुल समद ने 10 बॉलों में 37 बना दिया, 4 चौके 3 छक्के। लेकिन जब ये सारा कुछ हो रहा था तो अगर आप देखें कि जो लोकल बॉलिंग है ना, जो कह लीजिए कि जो आईपीएल इंडिया की ये जो टीम है बेंगलोर, इनकी जो लोकल बॉलिंग है, विजय कुमार हो गए, माहीपाल हो गए, 2008 से लेके 2023 आईपीएल 250 के रन सिर्फ 2 दफा, 2024 250 के रन 3 दफा ऑलरेडी बन चुके हैं, और आप कह रहे हैं सबसे घटिया बॉलिंग जो है वो आरसीबी की है, तो आपकी सनराइजर भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। उस दिन मुंबई थैंक्स टू अपना कप्तान जी हार्दिक पांड्या, वरना रगड़ गया था उस दिन मुंबई भी। 87 विकेटों पे T20 में, और उससे पहले इसी टीम ने 277 रन, बात हो रही है हैदराबाद की, और वार्ड लगाइए बेंगलोरो की, बेंगलोरो की तो बात करना बेकार है भाई,
ये टीमों के चक्कर में खिलाड़ी कोहलीबाई बेहतरीन किंग आजम जैसे हम कहते हैं बाबर आजम इसके पीछे पड़े हैं, वहां पे विराट कोहली बात आईपीएल में आज जो मैच हो रहा है हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद का, उन्होंने बेतहाशा फेंटी लगाई है इनको आरसीबी को, और ये जो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम है, एक तो ये ग्राउंड हाई स्कोरिंग है, ग्राउंड को इतना बड़ा है नहीं, पिच आउटस्टैंडिंग पिच है, रन का पावर प्ले आया और 7.4 कुछ ओवरों में इन्होंने 100 पार कर लिया, यानी इतना थे 8 ओवरों में ये 100 प्लस पे थे, और रिजवान साहब अगले 2 ओवर में ये 150 पे पहुंच गए, यानी इतनी धुआंधार बैटिंग हुई है। ट्रेविस हेड कितनी बॉलों पे, ये आप देखो 41 बॉलों पे 9 चौके 8 छक्के, यार कोई इनिंग थी मतलब मार मार के जिसे कहना चाहिए भुरसा, क्या पता नहीं समझ में नहीं आ रहा भुरसा भर दिया है यार 287। अब ये बेंगलोर जीत तो नहीं सकता, ये तो महमूद भाई शर्त लगा लो मैं इंडिया आने को तैयार हूँ, ये तुम पाकिस्तान आ जाना ये मैं तुमको बता दूं, ये जीत नहीं सकता। सनराइज हैदराबाद भाई उन्होंने टी ट्वेंटी की तारीख में एवर इतने छक्के इतने सिक्सेस आज तक कभी नहीं लगे भाई, ये आईपीएल ने नवा रिकॉर्ड बना दिया। मतलब यार कब तक बर्दाश्त करेंगे आरसीबी के फैंस, न बॉलिंग हो रही है न फील्डिंग हो रही है भाई, कोई कैच ड्रॉप कर रहा है, कोई नो बॉल करवा रहा है, कोई वाइड पे वाइड करवा रहा है, एक बंदा थोड़ी जितवा सकता है यार। पहाड़ लगा रहे हैं मतलब 250, 272, 270, अब जो है वो 287 रन जो है हैदराबाद ने प्लेट में रख के दे दिए, जैसे हैदराबाद की कच्चे गोश्त की बिरयानी एक ही है ना पूरी दुनिया में नहीं है, इसी तरह भाई हैदराबाद की जो इनिंग है ना ये भी याद रहेगी, और जिस तरीके से खरामा बढ़ रहे हैं ना मतलब मजा आ गया। मतलब ये क्या हो रहा है, ये इसका मैं मोदी जी से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा भाई इसके इन्वेस्टिगेशन करवाओ, ये नॉर्मल भाई कत्लो अरगारा से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अबे ये डोमिनेंस होती है, मतलब खुद सोचो 285 रन कौन मारता है यार, 285 रन आरसीबी के बॉलर क्या कर कह रहे हो भाई, भाई वाह कमाल बैटिंग भाई 287, कोई सोच सकता है कि T20 के अंदर इतने ज्यादा रन बन जाएं, ट्रेविस हेड ने कमाल का सो लगाया है और साथ हेनरिच क्लासन, और इन द एंड जो है उनके जो समाधान है सब ने जो है फेंटा लगाया है, और आरसीबी की बॉलिंग का जो फलूदा बनाया आज इसको फलूदे का नाम देंगे, फेंटा तो लगा ही लगा है लेकिन फलूदा जिस तरह बनता है ना कचूमर निकालते हैं किसी बॉलर का, आज आरसीबी के बॉलर्स का कचूमर निकल गया। ओए, 287, और जो टीम सामने आ रही है मार मार के जो उसकी उल्ली निकाल रहे हैं, और आज बारी थी भाई साहब आरसीबी की टीम की, ओए एक और छक्का 278, और ये हो गया भाई साहब 284, 2008 से लेके 2023 आईपीएल 250 के रन सिर्फ 2 दफा, 2024 250 के रन 3 दफा ऑलरेडी बन चुके हैं। हमारे चैनल को 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद करें, अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, धन्यवाद। अगले बार तक क्रिकेट को प्यार करते रहे और रिएक्शंस और एनालिसिस के लिए तैयार रहे, यह है आपका दोस्त अलोकेश साइनिंग ऑफ।